राम जी, एजुकेशन होलिस्टी में देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कल रख रिजल्ट पर रोक, वायरल खबर का पूरा सच। मेरे पास काफी वीडियो में कमेंट भी है और ये बार 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 वायरल हो रही थी, इसका पूरा सच आपको बताऊंगा। क्या सचमुच इस भर्ती पर रोक लग गई है? पूरी खबर आप देख लीजिए। छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपको लेके चलते हैं खबर की तरफ। यहां पे आप देख सकते हैं कलरक भर्ती के परिणाम पर रोक, हाईकोर्ट ने दिया कमीशन को उत्तर पुस्तिका जांचने के आदेश। यहां पे बताया गया है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में कलरकों के 6,000 से अधिक पदों के निकाली गई नियुक्तियों को फाइनल परिणाम पर रोक लगाने ते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है। ठीक है, आप यहां पे ही देख लीजिए एक बार, 6,000 पोस्ट, ठीक है, जबकि हमारे हरियाणा में 5,000 पोस्ट भी पूरी नहीं निकली थी। यहां पे कितनी बताई गई भाई? 6,000 पोस्ट। और देख लीजिए, और यहां पे बताया गया है 11 दिसंबर तक 6,000 से अधिक कलरकों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित किया गया था, 11 दिसंबर। यहाँ पे देखिए, जबकि दिसंबर का महीना तो ये ही है और कल तक का एग्जाम हुए कितने दिन हो गए भाई? 3 महीने। ठीक है, तो ये जो खबर है, ये खबर तो सही है, लेकिन ये खबर अब की नहीं है, ये खबर 2015 की है। अब अभी से वायरल किया जा रहा है अब की बता करके। ठीक है, तो मैं बताता हूं ये खबर सरासर गलत है और आपका परिणाम इसी महीने में रिलीज किया जाएगा 100%। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी के साथ। धन्यवाद।